नदी का नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने योगी से पूछा, क्या अब सरयू में बाढ़ नहीं आएगी? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतर गई है। अब यूपी की योगी सरकार ने हालात सुधारने के इरादे से नोएडा लखनऊ में कमिश्नर की व्यवस्था लागू कर दी है, मगर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे जनता का ध्यान भटकाने वाला फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि एक आईपीएस अफसर ने दूसरे आईपीएस अफसर पर पोस्टिंग के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एसएसपी को हटाकर कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर के पोस्ट होते ही नोएडा पुलिस के सब कागज जल गए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कमिश्नरी व्यवस्था दिल्ली में भी है, वहाँ पुलिस जामिया में चली गई, लाइब्रेरी में बच्चों को पीटा, गोली और आंसू गैस के गोले चले, वहाँ पर क्यों नहीं रोका गया? ना जाने कितने बच्चों के हाथ पैर टूट गए, वो भी तो कमिश्नरी था। अखिलेश यादव ने जेएनयू हमले में भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जेएनयू में पुलिस इंतजार करती रही और वहां भी कमिश्नरी ही थे, किस बात का इंतजार कर रही थी पुलिस? और फिर एफआईआर किस पर दर्ज की गई, आप सबको पता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया है। इस पर अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या घाघरा का नाम बदलने से पानी नया आ गया? क्या घाघरा में अब बाढ़ नहीं आएगी? क्या लोग नहीं मरेंगे? अखिलेश यादव ने यूपी को जंगल राज कहा है। कहा इतना भयंकर जंगल राज आज तक यूपी सरकार और यूपी ने कभी नहीं देखा। आप ही इस जंगल राज से बच सकते हैं और बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।